भाजपा कार्यालय है, क्यों आए? मैं महामंत्री उमेश कानूरिया माठ मंडल से हूँ, पूर्व सैनिक भी हूँ। मैं जो है पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो बूथ अध्यक्ष है, कोई सेक्टर संयोजक, कोई मंडल का अध्यक्ष है, कोई प्रभारी है, कोई सेक्टर प्रभारी है। हमारी जो पीड़ा है वो ये है कि हमसे पार्टी बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए 5 साल मेहनत कराती है, और मेहनत कराती है कि हम विधानसभा जीत पाएं। और उस विधानसभा को अगर हम हारेंगे, जानबूझ के अगर हमें पार्टी हराएगी, तो हम उसको अपमान समझेंगे। अब क्या समस्या क्या है आपकी? अब विरोध इस बात का है कि माननीय एसके शर्मा जी ने 5 साल लगातार मेहनत की, आज हम जीतने की कगार पे हैं, लेकिन वो उनका चेहरा चाहिए। और पार्टी ने एक नया चेहरा हमारे सामने रख दिया जिसका वजूद भी नहीं है पूरे विधानसभा में। या तो पार्टी हमारे इस्तीफा ये है सारे बूथ अध्यक्षों के, और ताला जो है वहां पे लगा हुआ है, तब तक बैठेंगे जब तक पार्टी हमारे इस्तीफा ले नहीं लेगी, या फिर हमारे अनुसार प्रत्याशी को उतारा जाए। पूरे माठ विधानसभा क्षेत्र की सभी पदाधिकारी भाजपा के यही चाहते हैं। तो अपने अपने ये इस्तीफा देने के बाद आगे की कार्रवाई हम बताएंगे, फिर उस समय पे अपने घर बैठेंगे, भाजपा के लिए काम नहीं करेंगे। ये हमारी समस्या ये है, हम 5 साल से का 10 साल से सेवा कर रहे हैं, बीजेपी में काम कर रहे हैं, और अब इन वक्त पे शर्मा जी का टिकट काट दिया, इसके शर्मा जी का। ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है। माठ की जनता इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, माठ की जनता इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, नहीं तो मतलब ये हमारे प्रत्याशी को टिकट दें माठ से, एस के शर्मा जी को टिकट नहीं मिलती है। भाजपा कर तो उन्हें सेवा कहा, वो जीत नहीं पाएंगे, जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, जनाधार नहीं होंगे। केवल एक ब्लॉक के हैं, 6 ब्लॉक होते हैं, उसमें आधी जनता उनको जानती है।